हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, मोदी जी ने यूट्यूबरों के लिए एक बहुत ही बड़ा नियम लगा दिया है। मोदी जी जीने नहीं देंगे क्या? ठीक है, उन्होंने कहा है कि मेरे दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। वो नियम क्या है मैं आपको बताता हूं। तो मोदी जी ने, अरे मोदी जी हिलिए मत, मोदी जी को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं। ओह, काफी अच्छे लग रहे हो मोदी जी, आई लव यू मोदी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। तो मोदी जी ने कहा है कि अगर आप एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हो, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हो, तो आपके लिए एक नियम को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपको, दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो बोले कि अगर ये नियम कोई फॉलो नहीं करेगा तो मोदी जी ने कहा है कि 10 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक जुर्माना आपको देना पड़ेगा अगर इस नियम को फॉलो अगर आप नहीं करते हो। तो मोदी जी ने कहा है कि भैया, नियम मैंने जो बताया उसको आप फॉलो करना है। कैसे? यहां पर देखिए दोस्तों, मोदी जी ने कहा है कि अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो, यूट्यूबर हो, चाहे आप 100 रुपए का स्पॉन्सरशिप करते हो, चाहे आप 10,000 का करते हो, चाहे आप 1,00,000 रुपए का करते हो, तो यहां पर जरूरी सूचना, इन्फ्लुएंसर को बताना जरूरी। यहां पर मैं इसको येलो कर लेता हूं, इन्फ्लुएंसर को बताना जरूरी कि प्रचार के बदले क्या मिला। अभी आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको यहां पर समझा दे रहा हूं। ठीक है, देख लीजिए, मोदी जी ने कहा है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर मतलब यूट्यूबर हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि प्रचार के बदले क्या मिले। यानी कि अगर मैं स्पॉन्सरशिप कर रहा हूं तो मुझे ये बताना जरूरी है कि स्पॉन्सरशिप के बदले मुझे मिला क्या है। नई दिल्ली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापनों पर शिकंजा कसने के लिए उपभोक्ता मामले के विभाग ने गाइडलाइन जारी किया हुआ है। कई लोग क्या करते थे कि ऐसे ऐसे स्पॉन्सर कर देते थे जो कि व्यूअर्स के लिए बहुत ही बेकार होता था, उससे इन्फ्लुएंसर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता था। मैं आपको बताता हूं, यूट्यूब पर क्या है, 3 साल के लोग भी हैं, ठीक है, यूट्यूब पर 3 साल के लोग भी हैं, 10 साल के लोग भी हैं, 15 साल के लोग भी हैं, 18 साल के लोग भी हैं, 80 साल के लोग भी हैं, मतलब 2 साल से लेकर के जितने भी उम्र के हैं सभी लोग देखते हैं और कोई वीडियो देख सकता है। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसी वीडियो रहती थी जिसकी वो व्यूवर्स देखता था, स्पॉन्सर भी किया रहता था और इसके बाद उसका गलत इंपैक्ट पड़ता था। कोई आपने वीडियो देखी होगी, उसमें किसी एप्लीकेशन के बारे में बताया गया होगा और तड़का भड़का करके बताया गया होगा और आपको लगा होगा अरे यार, हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, उनका तो काम हो गया, पैसा यूट्यूबर ने ले लिया और आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी जिंदगी कर ली खराब। तो यहां पर उस एप्लीकेशन को इन सब पर शिकंजा कसने के लिए यूट्यूब ने मतलब गवर्नमेंट सरकार ने क्या कहा है कि गाइडलाइन जारी किया है कि अगर आप स्पॉन्सरशिप करते हो तो आपको एक सेटिंग जो है उसको ऑन करना पड़ेगा। वो सेटिंग ऑन कैसे करना पड़ेगा उस चीज को मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले इसको ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा मजेदार है। ठीक है, सोशल मीडिया पर उत्पादकों का प्रचार करने, ठीक है, प्रचार करने वालों को बताना होगा कि इसके बदले उन्हें कैश, शेयर, सुविधा या उपहार सहित क्या मिला। गलत जानकारी देने और जानकारी छिपाने पर दंड का प्रावधान है। अगर कोई स्पॉन्सरशिप करता है, जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूबर हूं, मैं स्पॉन्सरशिप करता हूं और मैंने बताया नहीं कि मैं स्पॉन्सरशिप कर रहा हूं और मुझे इसके बदले कितने पैसे मिले हैं, क्या गिफ्ट मिला या क्या चीजें मिली है, तो उसके लिए मुझे दंड का भी भागी बनना पड़ेगा। यहां पर दिखा गया कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 6 महीने से 2 साल तक किसी उत्पाद के प्रचार से रोका जा सकता है। अगर मैंने अपने वीडियो में इस तरह से नहीं बताया, कोई भी यूट्यूबर जो स्पॉन्सरशिप कर रहा है अगर वो अपनी वीडियो में बताता नहीं है, वो सेटिंग ऑन नहीं करता है, तो उसको 2 साल से लेकर 6 महीना से लेकर के 2 साल तक कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं दिया जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट ने रूल निकाला हुआ है, कंपनियां कोई भी आपको ब्रांड कोई भी आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देंगी और 10 लाख से 50 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अरे बाप रे बाप, मतलब अगर आपने एक वीडियो बनाया दोस्तों, ठीक है, एक वीडियो बनाया जिसका यहां पर आपने स्पॉन्सरशिप लिया है 10,000 रुपया लिया हुआ है एक वीडियो का, ठीक है, अगर आपने उस सेटिंग्स को ऑन नहीं किया तो 10 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक जुर्माना आपको लगेगा और 6 महीना से लेकर के 2 साल तक, ठीक है, कोई भी स्पॉन्सरशिप आपको नहीं मिलेगा। यानी कि कमाई का सबसे बड़ा सोर्स जो है यही है और यही आपको नहीं मिलेगा तो आप अपने यूट्यूब से कमाई नहीं कर पाओगे, कमाई कर पाओगे लेकिन स्पॉन्सर से कमाई नहीं कर पाओगे और जितना आपने कमाया रहेगा वो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा गया है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित सिंह ने बताया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज उन्हीं उत्पादों का प्रचार करेंगे जिनका खुद इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे प्रोडक्ट का मैं इसीलिए, पता है क्या है, मैं पहले से मोदी जी का मैं फीलिंग बहुत अच्छे तरीके समझता था, इसीलिए मैंने अपने चैनल पर पहले से इन सब चीजों को बैन कर दिया हुआ है। मैं अपने चैनल पर
ऐसी चीजों का प्रचार नहीं करूंगा जो मेरे लिए खराब हो और मैं पैसे के लिए उसे अपने व्यूअर्स को ना दिखाऊं। इसीलिए मैंने अपने चैनल पर बिल्कुल भी प्रचार को बंद कर दिया हुआ है। कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो पैसे लूटती थी, एक दो बार मैंने किया, जब उस चीज को मैंने समझा तो भैया मैंने अपने एप्लीकेशन को, उन सारे एप्लीकेशन को बंद कर दिया। आज भी ब्रांड मुझसे आते हैं, मुझसे बोलते हैं कि 1,00,000 रुपया ले लो, ठीक है, ब्रांड मुझसे बोलते हैं 1,00,000 रुपया ले लो, ठीक है, और आप मेरा उस स्पॉन्सर कर दो। मैं बोलता हूं ना, आप तुम मुझे 2,00,000 रुपया भी दोगे तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन मेरे व्यूअर्स के लिए नुकसानदायक है। मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना, मुझे अपने मुझे लोगों को कुछ अच्छी चीजें सिखानी है और मैं उसी में खुश हूं। मुझे 2,00,000 रुपया दे करके मैं गंदी चीजों को प्रमोट नहीं करूंगा, ठीक है, यहां पर लिखा गया है। और इसके बाद यहां पर लिखा गया है उन्हीं उत्पादों का प्रचार करेंगे जिनका वो खुद इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टूथपेस्ट का प्रचार किया तो अगर मैं उसे यूज करता हूं तभी मैं उसे आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में हर सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया अकाउंट पर बताना होगा कि वे प्रचार के लिए पैसे लेते हैं या कोई आर्थिक अथवा अन्य हित है। बताना होगा कि मैंने इसमें कितना पैसा लिया है, और या तो पैसा नहीं लिया तो इसके बदले मैंने क्या लिया हुआ है। सेटिंग कैसे ऑन करना है वो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, ठीक है। प्रचार मीडिया या लाइव स्ट्रीमिंग में यह बताना साफ साफ लिखना होगा, नियम तोड़ने पर यूजर्स या उपभोक्ता केंद्रीय उपभोक्ता को संरक्षण प्राधिकरण में शिकायत कर सकते हैं। अगर मैंने नियम तोड़ा तो सरकार मेरे ऊपर में फाइन भी लगा सकती है, फाइन 100% लगा सकती है, और 10,00,000 से 50,00,000 रुपया मुझसे जुर्माना मांग सकती है या किसी से भी मांग सकती है, वो चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो उसको देना पड़ेगा। ये नियम हर किसी के लिए लागू होता है। अब ये सेटिंग ऑन कैसे करना है वो चीज यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली वीडियो ओपन की हुई है, ठीक है, इसी वीडियो को मैंने ओपन किया। अब इस वीडियो में मैंने किसी भी स्पॉन्सर को बताया हुआ, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया हुआ है कि भैया मैंने इस प्रोडक्ट में मैं या किसी एप्लीकेशन का रिव्यू मैं कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ये अर्निंग एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन में मैंने ये वाली सेटिंग ऑन नहीं की हुई। नीचे देखिए यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगा, यहां पर देखिए पैड प्रमोशन, ठीक है, ये वाली सेटिंग जो है यहां पर आपको मिलेगा पैड प्रमोशन। इसमें यहां पर लिखा गया है यस माई वीडियो कंटेंट पैड प्रमोशन लाइक अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट स्पॉन्सरशिप इंडोर्समेंट, ठीक है, ये यहां पर आपको ये एक टिक मिला होगा, ये देखिए इसको आपको टिक कर देना है, ठीक है। इस टिक को आप कर दोगे तो आपकी जब वीडियो चलेगी तो वहां पर कॉर्नर में पैड प्रमोशन एक इस तरह से आएगा, लेबल आएगा कि ये जो वीडियो है ये पैड प्रमोशन है, ठीक है। व्यूअर समझ जाएंगे कि जिनको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जिनको वीडियो देखना होगा देखेंगे, जिनको स्किप करना होगा स्किप कर जाएंगे। यानी कि ये खुल्लम खुल्ला बताना पड़ेगा कि मैंने पेड प्रमोशन किया हुआ है। आज से पहले इन सभी का प्रावधान ही नहीं था, कोई भी वीडियो बना देता था ये वाला टिक ही नहीं करता था, लेकिन मेरी लास्ट सभी वीडियो में आप देखोगे तो मैं जो भी बनाता हूं वहां पर मैं पेड प्रमोशन का लेबल लगा देता हूं, ठीक है। लाइव स्ट्रीम भी करता हूं तो वहां पर भी मैं पैड प्रमोशन लगाता हूं, क्योंकि आप लोग सुपर चैट सुपर स्टिकर देते हो, तो मैं सारा चीज खुल्लम खुल्ला रखता हूं। और गलत चीजों को मैंने अपने चैनल से हटा दिया हुआ है कि गलत प्रमोशन मैं अपने चैनल पर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, चाहे आप मुझे कितना भी पैसा क्यों ना दे दो। ये मेरा डिसीजन कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके आपको जरूर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे ऐसी जानकारी मैं आपके लिए हमेशा ले आकर के देता रहूंगा। वीडियो कैसी लगी वीडियो को भी आपको अच्छे तरीके से कमेंट करके बताना है कि हाँ राहुल सर मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, कमेंट आपको जरूर करना है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।